रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो माशाल्लाह से ना सर्दियों का सीज़न तकरीबन जाने वाला है। अब ये कह सकते हैं कि कोई 15-20 दिन तक बिल्कुल ही यानी कि ना चला जाएगा। तो अभी फरवरी है, तो फरवरी में वैसे भी ना सर्दी का ज़ोर टूट जाता है, जनवरी की 15 तारीख तक ज़्यादा ज़ोर रहता है। तो माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा धूपें लग रही हैं, धूपों की वजह से गर्मी कुछ सीज़न वाइज भी कम हो गई है और गर्मियों की वजह से कुछ ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता जा रहा है। तो यह मौसम चेक करें, ऐसी कड़क और ज़बरदस्त किस्म की ना धूप लगी हुई। अब तो चादर लेने का भी दिल नहीं करता। जैकेट अभी मैंने पहनी हुई है, तो बस वो वैसे ही पहन के रखी हुई है, थोड़ी देर बाद वो भी उतार दूंगा। तो अभी मैं बाहर था इसलिए मैंने जैकेट पहनी हुई है, तो घर जाके उतार दूंगा। तो आस्ता आस्ता करके जैकेटें भी उतर जानी है, फिर अपने वही रूटीन के मुताबिक अपने नॉर्मल ड्रेस की तरफ आ जाना है। तो अभी मैं ना आया हुआ था ज़रा बाहर की तरफ, तो माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा धूप है कि जो गंदम की फसलें वो भी खुश्क होती जा रही हैं धूप की वजह से। और इतनी धूप यानी कि कड़ाके वाली कड़क धूप लग रही है कि फसल जो है वो सूखती जा रही है। तो सूखने की वजह से ही जाहिर सी बात है धूप की पैदावार है धूप में बेहतर होगी। तो पानी जो था, पानी जैसी खुश्क होगा तो उसके बाद पानी भी लगाएंगे। कुछ फसलों में पानी लगना स्टार्ट भी हो गया और कुछ में अभी नहीं लगा, तो हमारी भी अभी नहीं लगा। इंशाल्लाह कोई आई थिंक ये हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता या 10 दिन तक उसमें पानी लगाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरी आंखें भी सही थना ना नहीं खुली, सामने सूरज और मज़ा आ रहा है यार, इतनी ज़बरदस्त मुझे तो लग रहा है ऐसे जैसे पसीना हल्का हल्का ना महसूस हो रहा है अभी। तो मैं आपको फसल दिखाता हूँ, उस पर भी ना स्प्रे की वजह से काफ़ी असर हुआ है। तो जो जड़ी बूटी थी वो भी ना स्प्रे की वजह से भी जल गई हैं, और कुछ माशाल्लाह से धूप इतनी ज़्यादा है उसकी वजह से। मैं आपको पहले दिखाता हूँ, वो चेक करें। ये आप माशाल्लाह चेक करें, इस साइड से ना थोड़ी वैसे भी ना गंदम थोड़ी ख़राब है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गैप पे हैं। ये आप देखिए, ये आपको लाल दिख रही होगी, तो ये जड़ी बूटी है, ये जल गई है। और उसके अलावा अब ये चेक करें, ये जो घास की तरह है वो भी येलो पर रहा है, और इस साइड ये। तो ये जो हम लोग स्प्रे करवाई थी ये कोई 3-4 किस्म की स्प्रे थी, और ये तीनों के तीनों मर गई हैं। और माशाल्लाह से गंदम जो है उसके भी काफ़ी बड़े बड़े तने हो गए। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ना इसमें फसल भी अच्छी हो जाएगी। तो कुछ में तो पानी लोग लगा रहे हैं और कुछ में अभी लगने वाला है, आस्ता आस्ता यानी कि रूटीन के मुताबिक लगेगा। तो हम लोग भी इंशाल्लाह हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक ना इसमें पानी लगाएंगे, तो एक दो पानी लगेगा, बाकी बारिश बताइए 25 तारीख के बाद। अब देखिए कि बारिश भी होती है नहीं होती। तो मेरा आज का यही मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि मौसम किस तरह के आजकल और क्या अपडेट है गंदम की। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो भी ला ताकि आप तक पहुँच सके। तो दुआ में याद रखिए कि तलाबाजों को दीजिए इजाज़त, आपका बहुत सारा प्यार। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।